राजस्थान के कोटा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। कोटा में सुबह बारिश होने से पहली पारी के लिए अभ्यर्थी केंद्रों पर भीगते पहुंचे। परीक्षा में नकल को लेकर इस बार काफी सख्ती बरती गई है। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली। कोटा जिले में पहली पारी में 94 परीक्षा केंद्रों पर 38,650 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिसमें से 22,147 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 16,503 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह दूसरी पारी में 81 परीक्षा केंद्रों पर 34,721 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिनमें से 25,704 उपस्थित रहे। कोटा में रीट में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली से 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी कोटा पहुंचे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।